तो भाई लोग साथ आपसे का मेरे और एक वीडियो में। तो आज के वीडियो में बात करने वाला सीआर के ऐसे कुछ कांडों के बारे में जो कि एमसीयू में तो नहीं होने वाले लेकिन वो कांड कॉमिक्स में हो चुके हैं। और सीआर बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उसके ठरकी हॉर्नी और बहुत ही ज्यादा इमोशनल टाइप हो जाते हैं उस वाले चीजों के बारे में। इसी कारण वो सभी कांड कॉमिक्स में तो होते रहते हैं लेकिन पता नहीं एमसीयू में वो कांड कब होगी। लेकिन मैंने सोचा कि कल इसका चौथा वाला एपिसोड आने वाला है और इसी बात पे कल डेढ़ की एंट्री शायद हो जाए तो क्यों ना थोड़ी बहुत बात कर ले कि सीआर कितनी ज्यादा हॉर्नी है। क्योंकि पहले वाले एपिसोड में उन्होंने दिखाया है कि सीआर को अपने स्टीव भैया कितने ज्यादा पसंद थे, उनका कैरेक्टर कितना ज्यादा पसंद था और तो और वो क्या क्या बोलते रहते उनके बारे में। तो कॉमिक्स में वो क्या ऐसी थी तो इसे बहुत ज्यादा आरामी थी। क्योंकि पहले तो बात करें आयरन मैन के बारे में तो वो आयरन मैन के साथ संबंध बना चुकी है और आयरन मैन के साथ बहुत ही ज्यादा आराम से अपने अपने बेड में नंगे पुंगे होके कांड कर चुकी है और उस जगह पे उनके ऊपर अटैक हो जाता है। लेकिन वो कांड उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे और शायद पता नहीं क्यों आयरन मैन के साथ तो ये हो चुका है। और आयरन मैन अपने एमसीयू में भी इतना ज्यादा ठरकी है तो अब तो नहीं है इस जगह पे। पता नहीं अब क्या होगा सीहल के साथ। लेकिन डेयर डेविल आने वाला है तो डेयर डेविल की तो उतनी ज्यादा कांड नहीं है। लेकिन डेयर डेविल ने सिर्फ एक ही कांड किया था जिसमें उसने नताशा के साथ संबंध बनाए थे और पता नहीं जेसिका जोन्स के साथ बनाए तो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रा तो है ना उसके साथ तो संबंध बना है ना। इसी कारण किरण पेज इलेक्ट्रा आप तो सी हल्क वो भी सी हल्क अपनी हिलाते हुए तो बन सकते हैं शायद। और बाद में सी हल्क का और एक संबंध थोर के साथ है और थोर के साथ उतना खास तो नहीं है लेकिन लॉन्ग रिलेशनशिप में है तो इसी कारण वो भी एक संबंध बनता है। और जगन्नॉट के साथ तो थोड़ा बहुत है क्योंकि अल्टरनेट यूनिवर्स में है लेकिन है क्योंकि हमें वही चाहिए तो वो मारो वाले भी हमें वही दिखाते कॉमिक्स में। इस जगह पे नहीं दिखाते एमसीयू में नहीं दिखाते क्योंकि ह्यूमन इन्वायरमेंट पता नहीं क्या बोलते हैं भाई साहब क्या क्या करते रहते एमसीयू। ठीक है बाद में उसका संबंध था हल्क के साथ जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि हल्क के साथ संबंध रखना एक अलग चीज होते थे। लेकिन हल्क खुद ही एक तरह से सी हल्क को वो बहुत ज्यादा डार्क स्टोरी इसके कारण उसके बारे में बात नहीं करना चाहता लेकिन वो हो जाते हैं संबंध। और अब भी एंट्री होने वाले और एक कैट के साथ सियाल का संबंध था वो था अपना जूस का सॉरी जूस की क्या इज्जत निकाली है उन्होंने थोर लव एंड थंडर में। और उसी का बेटा उसके साथ सियाल के संबंध थे कॉमिक्स में वो भी इसी कारण थे क्योंकि हरक्यूलिस बहुत ज्यादा पावरफुल था और एक इमोटर था और बहुत ज्यादा बड़ा वाला गॉड था तो इसी कारण सियाल को उसके साथ कुछ ना कुछ कांड करती है और उसे इसी छोड़ देती है धोखा। क्यों ना छोड़े सियाल बंदी थी इतनी ज्यादा तगड़ी उसके बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे आपने देखी होंगी एपिसोड 3 के एंडिंग में। उस चीज की बात नहीं कर रहा मैं मतलब उसकी इमोशनल बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे। वो एक बंदे से कभी भी खुश नहीं रह सकती इसी कारण अलग अलग बंदे के साथ उसके कांड चलते रहते। तो आपके इसके बारे में क्या विचार है क्या एमसीयू में ये लोग दिखा सकते सीआर को उतना ज्यादा थर की पहले तो दिखाया है लेकिन कॉमिक की तरह बहुत ज्यादा डार्क दिखा सकते है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बाजू वाला घंटा है ना उसे दबा दो, ऑल पर कर दो और वीडियो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाओ। तो बस मिलते हैं में, तब तक के लिए बाय 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 बंद हो जाए।